तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात रिकॉर्डिंग कर इन रहे हैं, प्रोग्रेस। और समीर जी, वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? इससे पहले हमने जो चीज़ें की उसमें आपने देखा और किया, और अभी जो हम करने जा रहे हैं जिसमें आप भी कुछ करेंगे, कुछ हम भी करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और हम वर्कबुक से रिलेटेड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब क्या जी प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट से पहले हमें प्रॉब्लम समझना है। देखिए क्या है, प्रोग्रामिंग कहता है कि पहले प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड करो, जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगी। और जहाँ तक बात सही है, क्योंकि आपने कहावत सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक कोई आविष्कार नहीं होता। मतलब जब कोई प्रॉब्लम हुआ तब उसका आविष्कार सॉल्यूशन निकाला। तो सेम उसी तरह से चार जगह आवश्यकता, पहले हम बात जानते हैं कि आखिर आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम समझते हैं क्या है, कि आप जब किसी किसी भी तरह का डेटा डाउनलोड करते हैं, तब जाते हैं, क्लिक करते हैं और डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं, राइट? यही होता है ना सर? लेकिन इस बार मैं डेटा डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत पहले एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, ये क्या बोलते हैं, सेवर, अमेडियस एंड सेवर, दो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, ट्रेवल कंपनी में यूज होते हैं, जो टिकटिंग वगैरह होता है ना उसमें यूज होते थे। तो सेवर में क्या होता था कि जब डेटा एक्सपोर्ट करते थे सेवर से एक्सेल, तो वो एक्सेल फाइल में डेटा डाउनलोड नहीं करता था, एक्सेल फाइल में डेटा को एडिट करता था। एडिट मतलब समझे, मतलब कि हमें एक फाइल बना के एक लोकेशन पे देना होता था, तो उस फाइल को ओपन करवा के उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देता था। क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड नहीं आती थी, नई फाइल क्रिएट होके नहीं आती थी सर, हमें फाइल पहले क्रिएट करके देना होता था। जब फाइल क्रिएट करके देता था तो उस फाइल वो लोकेशन बताता था, उस लोकेशन में जाके उस फाइल में जाके डेटा को पेस्ट कर देता था, समझे? तो हर दिन हमें एक लोकेशन पे एक फाइल बनानी पड़ती थी। तो हमें क्या करना होता था कि सबसे पहले किसी एक ड्राइव को हम लोग लेते थे, जैसे कि हमने ई ड्राइव को लिया, राइट? आप ई ड्राइव को हम लेते थे, और ई ड्राइव के अंदर, ये भी मान लो महीना क्या चल रहा है, मान लीजिए 10वां महीना चल रहा है, तो हम यहाँ पे 10 नंबर का फोल्डर, चाहे अक्टूबर का फोल्डर का या 10 नंबर का फोल्डर क्रिएट करते थे। इस 10 नंबर के फोल्डर के अंदर आज डेट कौन सा है, आज 4 है, तो यहाँ पे 4th का हम लोग फोल्डर क्रिएट करते थे, और इस 4th के अंदर आज का डेट का फाइल बनाते थे, यहाँ एक्सेल फाइल 04.10.2021, समझे? तो ये मेंटेन करना होता, ताकि जब हम डाउनलोड करते थे तो उसमें हम लोग रूट सेलेक्ट कर लेते थे, तो रूट में हम लोग ये दे देते थे डेट के हिसाब से, या फिर खुद ब खुद भी डेट के हिसाब से सेवर में सिस्टम था वो ले लेता था। बात समझे सर? अब यहीं पे प्रॉब्लम होता था कि हमें हर दिन डाउनलोड करने से पहले ये रूट बनाना पड़ता था, और ऐसे और भी बहुत लोग, मतलब मोस्टली लोगों को बनाना पड़ता था सर। तो हम ऐसा मैक्रो बनाना चाहते थे कि और ई ड्राइव में जाएं, चेक करें कि 2021 का फोल्डर है या नहीं, राइट? अगर 2021 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो नई फोल्डर बना दे, फिर उसके अंदर जाए और पहले चेक करें सिस्टम का मंथ, सिस्टम का मंथ कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसमें 10 नाम का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट कर दे। फिर 10 फोल्डर को अंदर जाए, आज का डेट देखे 4, 4 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं तो बना दे, और फिर उसके अंदर आज की डेट डाल दे, डेट का एक्सेल शीट ऐड कर दे। तो हमें एक्सेल से मेनली मेन वर्क क्या है हमारा सर, हमें एक्सेल शीट ही क्रिएट करना है, लेकिन एक सिस्टमैटिक फोल्डर के अंदर। तो काम समझ में आया आपको? जी अब काम समझ में आया तो चलिए इस पे हम आगे सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप सर ये पहली प्रोजेक्ट है, आपको अच्छा लगेगा, और आप इसको देखेंगे कैसे एक्सेल हमारा, वीवी हमारा काम को आसान करता है।
एक्सेल फाइल लेते हैं और हम्म, इसको सेव करते हैं पहले किस में, एक्सेल एस एम में। ये आप सबसे पहले कीजिए। इसका डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे हर बार एक्सेल एस ही करता है डिफॉल्ट, तो हर बार एक्सेल हाँ एस तो ही। मैं हाँ बताया तो था सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं हाँ अभी। यहाँ फाइल के अंदर ऑप्शन में सेव के अंदर यहाँ पर ठीक है। यस ओके। उसके बाद हम डेवलपर टैब में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं ठीक है, और एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, एक नया मॉड्यूल्स। और हमने दो स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको साथ साथ यहाँ भी समझाता हूँ एक्सेल पे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे सब, और यहाँ पे VVA फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखेंगे माइक्रोज में आपका VVF के नाम से फाइल आ गया, माइक्रोज आ गई। सबसे पहले हमें देखिए हमारा जो हमें तो फोल्डर बनाना है ना पहले, तो फोल्डर बनाने का कोड तो है, लेकिन फोल्डर बनाने का कोड सबसे पहले हमें रूट रूट डिजाइन डिफाइन करना पड़ेगा ना सर। तो रूट के लिए हमें सिस्टम का डेट पिक करना पड़ेगा कि सिस्टम का डेट क्या है। बात समझ में आया सर, सिस्टम का डेट क्या है। तो कैसे पता करें सिस्टम का डेट, तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है टुडे का ठीक है, टुडे टुडे ब्रैकेट एंड ओपन क्लोज करना होता है, और एक फॉर्मूला होता है ईयर का जिसमें से इसमें से ईयर अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला होता है जो मंथ अलग करता है, और डे का फॉर्मूला होता है जो कि डे अलग करता है। तो एक्सेल में अगर मैंने यहाँ पे टुडे लिखा तो ब्रैकेट ओपन करते समय देखिए क्या कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है। तो एक्सेल में जस्ट डेट का फॉर्मूला है, डेट अगर डेट लिख देते हैं ना सर तो सिस्टम डेट आता है, लेकिन सिस्टम डेट आएगा तो आएगा कहाँ, एक लोकेशन तो चाहिए ना सर, क्योंकि डेट ने तो रिजल्ट दिया, अब रिजल्ट स्टोर कर, जैसे यहां पे हमने टुडे का फॉर्मूला है तो टुडे का फॉर्मूला हम एक जगह पे लगाएंगे ना सर, एक लोकेशन होगा कि चलिए हम C6 में लगा रहे हैं, बट VVA में ऐसा तो नहीं है ना, हमने कोई रेफरेंस तो नहीं दिया था। ये डेट का फॉर्मूला जब निकलेगा तो देगा किसको, कौन लेगा, लेने वाला कौन सा है, तो इसके लिए हमें वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक लिख दिया आई इक्वल टू, तो अब वाई के ऊपर डेट स्टोर हो गया, कौन सा डेट, सिस्टम डेट। बट मुझे डेट से लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए ईयर। तो हम क्या करेंगे कि ईयर के अंदर में ईयर फॉर्मूला VVA को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, कैसे पता चला, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया एक्सप्रेशन आया, आ गया सर एक्सप्रेशन, इसका मतलब है सपोर्ट करता है। अब मैंने यहां पे डेट को क्लोज कर दिया सर डेट को क्लोज। अब वाई पे क्या सेव हो गया, डेट ईयर्स हो गया 2021 सेव हो गया। अब मुझे 2021 की कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, वाई को रेफरेंस करेंगे। ऐसे ही एम इक्वल टू हमने मंथ लगाया और मंथ भी फॉर्मूला सपोर्ट कर रहा है VVA में। उसके बाद हमने डी इक्वल टू डे लिखा, डे भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज हमने इसलिए बताया क्योंकि आगे हम क्या है कुछ एक्सेल के फॉर्मूले यूज करेंगे, तो कुछ एक्सेल के फॉर्मूले डायरेक्ट VVA को सपोर्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूले VVA को सपोर्ट करते ही नहीं है, और कुछ जो है इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। अब इनडायरेक्ट सपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है आपके सामने ईओ मंथ का, क्या होता है ईओ मंथ।
अब ईओ मंथ क्या करता है, किसी भी डेट का लास्ट डेट बताता है। अब ये फॉर्मूला वीवीए में सपोर्ट नहीं करेगा, देखिए नहीं आया, तो ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा। कैसे? एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, ठीक है? ठीक है। अब देखिए टुडे सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, टुडे नहीं आ रहा है सर, नहीं है। तो टुडे के लिए हमें अल्टरनेट फॉर्मूला मिल गया डेट का जी, और ईओ मंथ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट सपोर्ट, तो हमने इसको फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल कर लिया जी। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या जी, सर जी। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम आगे क्लास में समझाएंगे आपको, फिलहाल तो एक्सेल के जो भी बेसिक मतलब फॉर्मूले या फंक्शन जो है वो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन में मिल जाते हैं ज्यादा कर। कुछ फंक्शन डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं जैसे कि आपका जी ईयर मंथ डे हो गया, लेन लेफ्ट राइट हो गया, वो लिखते ही आपको है, ब्रैकेट देते ही आपको उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं सपोर्ट करते हैं तो लाइब्रेरी के जरिए हम कॉल करते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, जितने फॉर्मूले लिस्ट आ गए वो सपोर्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट करते ही नहीं है, तो उसके लिए वीवीए में हमारा अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। अच्छा, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मूला, एक्सेल में टेक्स्ट होता है, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाता है, समझ गए? तो इसमें आपको सारा याद नहीं रखना है कौन सपोर्ट करता है कौन ना सपोर्ट करता है, याद मत रखिएगा, ठीक है? बस ये सपोर्ट कीजिए कि क्या फॉर्मूले वीवीए का अल्टरनेटिव फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, जैसे कि डेट, हमें डेट याद रखे ना सर, टुडे के जगह पे डेट होता है, ये याद रखना है सिर्फ, बाकी ईयर मंथ डे तो लगाते ही पता चल जाएगा आपको कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट करता है या इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है जी। तो हमने सिस्टम से उठा लिया करेंट ईयर, करेंट मंथ और करेंट डे, राइट? और एक वेरिएबल पर हमने स्टोर कर दिया। अब फोल्डर क्रिएट करने का जो कोड होता है वो होता है DIRMK, मेक डायरेक्टरी, शॉर्ट में इसको पढ़ सकते हैं, नहीं MKDIR, हम उल्टा लिख दिए सर, माफ कीजिएगा, MKDIR, मेक डायरेक्टरी। और इसके बाद बोलता है पाथ, तो पाथ आपको देना है, पाथ मतलब समझे ना सर, लोकेशन कि कहाँ फोल्डर क्रिएट करना है, ये हो गया। और 2021 तो जो लास्ट वाला है ना सर वो क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि मैं एक बार लिख दूं कि इसमें जाओ और 10 नंबर, इसमें जाओ 4 नंबर, गलत हो जाएगा, ये नहीं वर्क करेगा। ओके, क्योंकि बीच में हमारा 10 नंबर का फोल्डर नहीं है, 2021 का तो है, 10 नंबर का नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 1 by 1 करना है। तो पहले आपने बोला कि 2021 तो इसको क्रिएट करेगा जी, फिर आपको एक तीसरा लाइन लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था एक बार में एक ही लाइन यूज होता है, यहाँ पे एक ही वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देंगे हम /4, 3 फोल्डर बन जाएगा, बढ़ गया सर जी। तो 1 by 1 फोल्डर बना देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसमें तो हम मैनुअल लिख दिए ना सर, हमें तो ऊपर से उठाना था ना जी, तो इसके लिए हम कैसे उठाएं, क्योंकि हमारे पास तो इतना पता है कि ई ड्राइव है, बट 2021 तो वाई से उठाना है जी। अब ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें वाई लिख दूंगा, ये वाई गलत होगा कि सही होगा सर? गलत है, क्यों? वो तो वेरिएबल है ना, मतलब हाँ वेरिएबल है, तो हमने वाई तो लिख दिया, फिर गलत कैसे एंड होगा? एंड लगा के वो लिख सकते हैं, अभी गलत कैसे होगा, क्योंकि इन्वर्टेड वाई कॉमा करके के है अंदर है। हाँ, और वाई नाम का फोल्डर अगर मतलब नहीं, वाई नाम का फोल्डर बना देगा, फिर वाई की वैल्यू पिक नहीं करेगा, क्या करेगा जी? जैसे यहाँ पे अगर A1 पे 20 है, तो अगर आपने बोला कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा A1 + 20, तो ये आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि A1 का आपने किस में रख दिया है,
इन्वर्टेड कॉमा में, जी वो A1 पे 20 करे, A1 टेक्स्ट पे 20 करेगा, उसी तरह से Y को एज अ टेक्स्ट रीड कर लेगा। तो कभी भी वेरिएबल्स को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं, हाँ एंड परसेंट लगा के उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब जो बनेगा क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे बनेगा कि ई ड्राइव स्लैश 2021 स्लैश ये बनेगा, सॉरी समझे। जी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2021 को यहाँ डिलीट करते, यहाँ पे इन्वर्टर कमा देते हैं एन परसेंट वाई, फिर अगेन एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा, फिर एन परसेंट क्या देंगे इसमें एम, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ई ड्राइव स्लैश 2021 स्लैश द अस, समझे। और यहाँ भी सेम करेंगे एन परसेंट, इसलिए मैं पहले लिख बताया कहाँ कहाँ पे हमें एन परसेंट देना है और कहाँ पे किसको इन्वर्टर कॉमा के अंदर रखना है। स्लैश इन्वर्टर कॉमा अंदर चाहिए ना सर, ऐसे लगाते हैं तो स्लैश कंफ्यूज हो जाता है कि स्लैश कहाँ लगाना है। ठीक है सर, जी तो ये क्या कर देगा, ये हो जाएगा, ये इस तरह से बनाएगा, इस साइड में सिंगल कोड लिख के दे रहा है ना, इसको कमेंट कहते हैं। ये रन नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के, समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। आप भी कुछ कमेंट वगैरह देना चाहते हैं ना, ताकि इन फ्यूचर में या जिसके लिए आप बना रहे हैं वो समझ सके कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कोड किस के लिए है, तो इसका यूज कर सकते हैं आप कमेंट का। सिंगल कोड लगाइए और जो लिखना लिख दीजिए, कोड नहीं रहेगा फिर, वो कोड का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने तीन फोल्डर बना लिए। अब उन तीन फोल्डर के अंदर में, उन तीन फोल्डर के अंदर में मुझे इनके अंदर में फाइल को सेव करना है। तो हम यहां लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, ठीक है, डॉट सेव एज, क्योंकि मुझे पता है कि नाम से देना ही है ना सर। और ये पार्ट इस लोकेशन पे सेव करना है, तो इस लोकेशन को हमने ले लिया। लेट इट सर, एन परसेंट देते हैं यहाँ पे स्लैश, अगेन एन परसेंट डी, डी के नाम से बनाना है ना सर, यहाँ पे, और यहाँ पे एन परसेंट इन्वर्टर कॉमा में डॉट एक्सएलएस एक्स, समझे जी। अब फाइल ऐड हुई है, ओपन हो गई, तो मुझे उसको क्लोज करना होगा, अपना ओपन रहेगी। जो फाइल ओपन हुई है वही हमारा एक्टिव है ना सर, जी एक्टिव वर्क बुक, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज क्लोज, यहाँ पे इक्वल टू ट्रू कर देंगे ताकि सेव करते हुए क्लोज करेगा। अब क्या लग रहा है, माइक्रो रन करेगा सर, कहीं दिक्कत तो नहीं है? ठीक ही लग रहा है, ये तो गड़बड़ है सर। सोचिए सोचिए, कंप्यूटर की तरह सोचिए, जब प्रोग्राम बनाइए उसको देखिए, तो सिस्टम की तरह सोचिए, अपने आप को कंप्यूटर बना दीजिए। वाई एम डी वेरिएबल तो ठीक है, वो ले लेगा डेट, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। क्यों? क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर बना सकते हैं आप एक ड्राइव में, नहीं बना सकते, एक फोल्डर के अंदर भी एक नाम के दो फोल्डर बना सकते हैं, वो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा तो एरर देगा। हमने ऐसा कोड तो नहीं डाला हुआ है ना कि फोल्डर पहले से हो तो स्किप कर दो, ऐसा कुछ डाला है, हमने बताया अभी भी कुछ नहीं, हमने सिर्फ बोला है कि बनाओ फोल्डर। अब जैसे फोल्डर, जैसे इसको रन करेंगे, सीधे बोलेगा एरर कि फाइल पाथ एक्सेस एरर, समझे, दिख गया सर। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एरर तो आएगा, मुझे पहले से पता है कि इस एरर को आना है, जब एरर आएगा तो मुझे उस लाइन को वर्क नहीं करना है। मैं अभी क्या, हमें पता है कि इन तीनों में से किसी में एक में एरर आएगा या तीनों में एरर आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ जब तीनों में एरर आएगा तो एक प्रोसी इस लाइन को, इसमें एरर आया मतलब कि फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, एरर तभी आएगा जब फोल्डर एग्जिस्ट होगा, तो
तो मुझे इसको नहीं चलाना है, इसको चलाना है, इसको स्किप कर देना है, अगर इसमें एरर है तो इसको स्किप करके इसको चला। तो एरर को स्किप करके आगे रिज्यूम करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है जी, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? जी क्लियर। और फिर यहाँ एम के डी आई आर हमने कर दिया और यहाँ पे अपना बाकी चीजें कर दिया। अब इस लाइन से नीचे कहीं भी किसी भी लाइन में किसी तरह का एरर आया तो वर्क नहीं करेगा उसको, मतलब कि स्किप करके वो अगले पार्ट को वर्क कराएगा। ठीक है जी। अब चलिए इसको हम एक बार रन मैसेज दे देते हैं ना कि हाँ डन, वर्क इज डन, फाइल क्रिएटेड, ऐसे एम एस जी बॉक्स फाइल फोल्डर क्रिएटेड। ठीक है जी, फाइल फोल्डर क्रिएटेड, समझ गया जी। अब यहां पे जो समय क्या करना है, अब इसको रन करके टेस्ट करना है। ओके चलिए, 2021 का फोल्डर था तो उसे छेड़छाड़ नहीं किया है, 10 के 10, उसके अंदर 10 का फोल्डर बना दिया है, 10 के अंदर 4 के फोल्डर और 4 के अंदर फाइल। बट मुझे फाइल 4 के नाम से नहीं, डेट के नाम से बनाना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ बच्चा हर लोग ये दिक्कत करता है, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है डी के जगह पे हम डेट ले लेते हैं, एक गड़बड़। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि फाइल के नाम में स्लैश नहीं लगता है, बात समझे? फाइल फोल्डर नाम में स्लैश, जो स्लैश दिख रहा है ना, इस स्लैश का इस्तेमाल नहीं होगा। जब डेट रिटर्न करेगा डिफॉल्ट फॉर्मेट में तो स्लैश के साथ रिटर्न करेगा। तो डेट को अपने मुताबिक फॉर्मेट के लिए हमें एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, टेक्स्ट डीडी स्लैश एमएमएम स्लैश वाई वाई। ठीक है ये। आ गया यहाँ पे अक्टूबर ये। तो इसको डेट, अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला तो सपोर्ट करता नहीं है, हमने बताया आपको कि टेक्स्ट की जगह पे क्या हो जाता है, फॉर्मेट फॉर्मेट। तो यहाँ डेट को हम फॉर्मेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और सेम जो टेक्स्ट में कस्टम फॉर्मेटिंग का कोड डालते हैं वही यहां डालेंगे। ठीक है राइट। अब जो है एक बार मैं यहां से फाइल डिलीट कर देता हूं, कि एक नाम के दो फाइल नहीं हो सकते ना सर। अब यहां पे इसको हम रन करते हैं। ठीक है अब जो है देखिए आ गया सर, क्लियर है जी। तो अभी ये फाइल बन गया बनेगी, लेकिन हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगाया है, तो अगर उसे दिखता है कि कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर है और फोल्डर के अंदर फाइल भी है तो फिर सारा इग्नोर करके बोल देगा कि क्रिएटेड, मतलब कोई एरर ही नहीं दिखाएगा। अच्छा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम मतलब हो सकता है कोडिंग में। नहीं आप देखिए, ऑन एरर रिज्यूम हम तब लगाते हैं जब हम इंश्योर होते हैं कि एरर क्या आएगा। ओके यहाँ पे हम इंश्योर है ना कि एरर क्या आएगा, समझ गए ना, तब हम ऑन एरर। हम स्टार्टिंग में लगाया था, नहीं लगाया था सर, हम कोड लिखने के बाद कोड को समझ लिए और तब मैंने सिचुएशन को समझा और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे एरर आएगा तो इसके लिए हमें हैंडल है। तो ऑन एरर रिज्यूम कहाँ पे करते हैं, जहाँ आप इंश्योर हो कि इस तरह का एरर आएगा, आप चाहते कि इस तरह के एरर आए तो इसके आगे प्रोसीड ना करें, मतलब कि उस लाइन को प्रोसीड ना करें, समझ गए जी। तो उसका आगे करें, आप चाहते कि अगर एरर आए तो फलाना काम करें, तो उसके लिए फिर हम इफ कंडीशन के साथ ईआरआर फंक्शन यूज करना पड़ता है, जो कि आगे के क्लास में समझाऊंगा जी। अभी फिलहाल इसको हम यही करते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, मैंने प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम को समझ लिए, रन करके दिखा दिया, इफेक्ट समझ में आ गया, सब चीज से संतुष्ट है जी। अब इस कोड को आप एज ए रेफरेंस में लो, आप पहले तो जैसा मैंने बनाया है वैसा बनाओ जी, इसके बाद इसमें चेंजिंग करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ 10th डाला, 10 का नंबर डाला हुआ, तो आप यहाँ पे अक्टूबर का फोल्डर बनाने का कोशिश करो, यूज द फॉर्मेट फॉर्मूला जी, समझ गए जी। इसी तरह से कुछ इसमें 8-10 चेंजिंग कीजिए
और अपने हिसाब से देखिए, पहले तो जैसा बन जाएगा ठीक है, जैसा मैंने बनाया ऐसा बना ले, पास कर लिया, इसका मतलब कि आपने मैक्रो समझ लिया। अब इसमें कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने कंसेप्ट समझ लिया।